1.5 लाख रुपए से भरा बैग चोरी करने वाली महिला को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया से रेलवे कर्मचारी 2 लाख रुपए की नकदी लेकर घर जा रहा था। इस 2 लाख की राशि में से रेलवे कर्मचारी ने 50,000 अपनी जेब में निकाल कर रख लिए थे और बचे हुए 1.5 लाख प्लास्टिक के बैग में रख दिए थे। रेलवे कर्मचारी इस बैग को बाइक पर टांग कर आर्य समाज मार्ग पर फर्नीचर की दुकान पर रुक कर फर्नीचर देखने लगा। इसी बीच यह महिला आई और 1.5 लाख रुपए रखे इस बैग को उठाकर ले गई। रेलवे कर्मचारी ने घटना की जानकारी कोतवाली थाना पुलिस को दी। पुलिस ने घटना क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला को गिरफ्त में ले लिया है। आपको बता दें कि आरोपी महिला नगर सुरक्षा समिति की सदस्य है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने बताया है कि गिरफ्तार हुई महिला ने वारदात की घटना को कबूल लिया है। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया था और उसके द्वारा अपना बैग टांग दिया गया था। बैग नीचे गिर गया था और उसमें एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उस बैग को चुरा लिया गया। पुलिस ने इसमें चोरी का मामला दर्ज किया है और जब बाद में फुटेज वगैरह चेक किए गए तो फुटेज में ये स्पष्ट हुआ कि कोई अज्ञात युवती उस बैग को लेकर के जा रही है। पुलिस ने चूँकि मामला इसमें पैसों से जुड़ा हुआ था, बैंक के पास का था, इसे तत्परतापूर्वक जब टीम लगाई तो वहाँ उसको ट्रैक करते हुए घर तक पहुँचे और संदिग्ध जो युवती थी उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में उसने जुर्म स्वीकार भी किया और साथ में जो चोरी किए गए जो पैसे थे मैं बैग के बरामद भी किए गए।